हेलो स्टूडेंट्स पाठ की ओर जो कि हम पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो सुमती और लेखक जो हैं लेखक राहुल सांक्रत्यायन जो हैं वो दोनों ही घूमते हुए अब डाड़े के देवता के स्थान पर पहुँच जाते हैं जो कि सत्रह अठारह हज़ार फीट की ऊंचाई पर है और अब वो वहाँ से वापस आते हुए घोड़ों पर सवार थे और जो लेखक का घोड़ा था वो कुछ सुस्त था और धीमे चल रहा था तो एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे तो जो लेखक था वो बाएं रास्ते पर चला गया था तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे अब हम आगे पढ़ेंगे लेकिन उससे पूर्व जो पिछली बार मैंने प्रश्न किए थे उसको हम लोग एक उसके उत्तर जान ले कि लेखक घोड़े पर सवार हो कहाँ जा रहा था ये पहला प्रश्न मैंने पूछा था मैंने कहा था चिंतन मनन करेंगे तो इसका उत्तर था डांडे की और समुद्र तल से डांडे की ऊंचाई कितनी थी तो उसकी ऊंचाई कितनी थी सत्रह अठारह हज़ार फीट और डांडे के देवता का स्थान कहाँ था तो डांडे के देवता का स्थान था डांडे के सर्वोच्च शिखर पर लेखक घोड़े को क्यों नहीं मारना चाहता था वो इसलिए नहीं मारना चाहता था क्योंकि लेखक सोच रहा था कि घोड़ा चढ़ाई की थकान से धीमा है और उतराई में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है तो उतराई में आई प्रत्यय है ठीक है तो ये मैंने प्रश्न कुछ आपसे किए थे अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं देखिए यह है आ, जब वो बाएं का रास्ता ले मील डेढ़ मील चला गया लेकर तब आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था फिर लौटकर उसी को पकड़ा चार पाँच बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमती इंतज़ार करते हुए मिले मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था तो यानी कि और गुस्सा उसको आ गया था तो और उसका मुंह लाल हो गया था गुस्से से उन्होंने कहा मैंने दो टोकरे कंडे फूंक डाले तीन तीन बार चाय को गर्म किया तो ये कंडे फूंक डाले कंडे मतलब जो गोबर के उपले होते हैं वो तो मैंने यानी यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था खैर सुमती को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था तो ये सुमती के व्यवहार में या उसके रेखा चित्र में हम ये लिख सकते हैं और लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे तो पहले चाय सत्तू खाया गया मतलब जहाँ पर वो ठहरे वहाँ पर अच्छे लोग थे तो वहाँ पर उन्होंने पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थक्पा मिला तो यह वहाँ का खान पान है तो अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे अब वो कहाँ पहुँच गए अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी ये ध्यान रखना है कि तिंगरी समाधि गिरी क्या है ये छोटी सी पहाड़ी है मैदान के भीतर मैदान के बीचों बीच एक पहाड़ी है उसका नाम है तिंगरी समाधि गिरी आसपास के गांव में भी सुमती के कितने ही यजमान थे यानी कि उसके जान पहचान वाले थे सुमती तो हमने तो सुमती के बारे में पहले ही हमने बताया था कि सुमती बड़ा मिलनसार था कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से गया का गंडा बना लेते थे गंडा यानी कि ये ताबीज है जो वो एक धार्मिक प्रतीक है जिसे गले में पहनते हैं धागे से और कपड़े की चीरी से बनाया जाता है वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे कौन जाना चाहता था सुमती मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो मगर आसपास के गांव में मत जाओ अब लेखक कहने लगा कि इसके तो जान पहचान के बड़े सारे लोग हैं अब ये जहाँ जाता है वहीं पे इतने इतने दिन लगा देता है और यहाँ गया तब तो यहीं पे हमारे बहुत सारे दिन हफ्ता यहीं लग जाएगा तो उन्होंने सुमती को कहा लेखक ने कि जिस गांव में हम ठहर रहे हैं वहाँ पे तुम्हारे जान पहचान के तो वहीं पे इन गंड, गंडे जो है इसको बाँट दो तो, मगर आस के गाँव में मत जाना इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुँच कर दे दूँगा तो इसके लिए भी उन्होंने कहा कि ठीक है तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें इसके लिए भी पैसे दे दूँगा सुमती ने स्वीकार किया दूसरे दिन हमने भरिया ढूँढने की कोशिश की भरिया भार उठाने वाला लेकिन कोई ना मिला सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था ये लेखक कह रहा है कि अगर हम सुबह चल दिए होते तो अच्छा था लेकिन अब क्या हो गया दस ग्यारह बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था तो तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है कड़ी यानी कि बहुत तेज धूप यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है आप दो बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है देखिए मतलब आप सीधे जब जा रहे हैं सूरज की तरफ मुंह करके तो ऊपर का माता मुंह वो तो जल रहा है आपका लेकिन जो पीछे का कंधा वो बर्फ़ हो रहा है यानी कि धूप भी तेज है और ठंड भी है वहाँ पर फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी डंडा हाथ में लिया और चल पड़े चल यहाँ तक अभी जो हमने पढ़ा जितना सा पढ़ा उसमें से प्रश्न कि इंग्लिश कैसा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे टिंगरी कैसा दिखाई दे रहा है तो किस तरह का है टिंगड़ी तो इसका उत्तर होता है वो टापू है क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि मैदान के बीचों बीच एक पहाड़ी है है वही समाधि थी टिंगरी तो इसको हम टापू कह सकते हैं टिंगरी समाधि गिरी किसे कहते हैं टिंगरी समाधि गिरी जो है वो है तिंगरी के मैदान में भीतर छोटी सी पहाड़ी को छोटी सी पहाड़ी को तो सुमती आसपास के गांव में क्या बांट रहे थे तो क्या बांट रहे थे वो गंडा बांट रहे थे है ना, जो मैंने कहा कि वो ताबीज़ की तरह होता है ना, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ कपड़ा होता है लेखक ने सुमती से क्या आग्रह किया था लेखक ने क्या कहा था कि आसपास के गांव में मत जाना जहां हम ठहरे हैं वहीं पर तुम इन गंडों को बांट देना अच्छा भरिया से क्या अभिप्राय है तो अभी मैंने बताया था आपको भरिया कौन होता है भारवाहक यानी कि भार उठाने वाला ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़े हम तो अभी हमने पढ़ा कि वहाँ तेज धूप भी है और कंधा जो है वो बर्फ की तरह ठंडा भी हो रहा है फिर उन्होंने क्या किया दोनों ने फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी क्योंकि भार उठाने वाला तो कोई मिला नहीं डंडा हाथ में लिया और चल पड़े यद्यपि सुमती के परिचित टिंगरी में भी थे लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं बेगार में यानी कि मुफ्त में खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता तो देखिए ये भी वहाँ की मतलब किस तरह की व्यवस्था है कि जो है छोटी जो जागी जागीरदारी है वो किस तरह से बटी हुई है और उनको देखने का काम कौन करता है वो खेती का इंतज़ाम जो करता है वो भिक्षु करता है और जागीर के आदमियों के लिए वो राजा से कम नहीं होता और बेगार में उसको मजदूर भी मिल जाते हैं तो शेखर विहार की जो खेती है वो इस तरह से बटी है तो शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु तो उनका नाम था जो शेखर की खेती शेखर विहार की खेती के जो मुखिया थे उनका नाम था होते तो मुखिया सब भिक्षु ही थे तो यहाँ के जो थे उनका नाम था नमसे जो बड़े भद्र पुरुष थे यानी कि अच्छे और वह बहुत प्रेम से मिले किससे सुमती और लेखक से हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था तो यानी कि उस समय वो भिक्खमंगे के वेश में थे फिर भी उन उन पर बड़े प्यार से उनसे मिले यहाँ एक अच्छा मंदिर था तो अब लेकर कह रहे कि जहाँ हम शेखर विहार में गए जहाँ ये भिक्षु कौन थे नमसे थे बड़े पुरुष थे और जो बड़े अच्छे से विनम्र भाव से बड़े प्यार से उनसे मिलते हैं तो वहीं शेखर विहार में एक मंदिर भी था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी हुई एक सो तीन पोथियां रखी हुई थी मेरा आसन भी वहीं लगा वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी एक एक पोथी यानी कि एक एक जो किताब थी वो पंद्रह पंद्रह शेर से कम नहीं रही होगी ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा मैं अब पुस्तकों के भीतर था यानी कि पुस्तकें पढ़ने में रम गया था यानी कि इतना व्यस्त हो गया था इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया उन्होंने उसको जाने के लिए कह दिया क्योंकि वो पुस्तकों में इतने व्यस्त थे और उस समय उन्होंने पूछा सुमती ने जाने के लिए तो उन्होंने उसको जाने के लिए कह दिया दूसरे दिन वह गए मैंने समझा मैंने समझा था कि दो तीन दिन लगेंगे लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए तिंग गांव वहां से बहुत दूर नहीं था हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े तो यहाँ हमारा पाठ जो है वो समाप्त हो जाता है और इसी के साथ जो अब हमने जो लास्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है उसके प्रश्न उत्तर हम साझा कर लें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और क्या उत्तर इनका होना चाहिए तिब्बत में जागीरों का अधिकतर भाग किसके पास है तो अधिकतर भाग किसके पास है मठों के पास हमने पढ़ा ना कि वहाँ जागीदारी प्रथा है और मठों के पास अधिकतर भाग है इसका जागीरों का तिब्बत में खेती की व्यवस्था कौन देखता है तो खेती की व्यवस्था देखने के लिए जो मठ के भिक्षु हैं वही देखते हैं जो कि किसी राजा से कम नहीं होते है ना? पुस्तकों के भीतर होना से क्या भी प्राय है यानी कि पुस्तक पढ़ने में रम जाना कंजुर से क्या अभिप्राय है कंजूर क्या है बुद्ध वचन का अनुवाद है बुद्ध वचन का अनुवाद जो कि पंद्रह पंद्रह से कम नहीं थी एक एक किताब लेखक का आसन कहाँ लगाया गया था तो लेखक का आसन लगाया गया था मंदिर में रखी पोथियों के पास ही और लेखक को तो वैसे ही पढ़ने का बहुत शौक था तो आइए प्रश्न अभ्यास अब तो बहुत आसानी से आप प्रश्नों को कर सकते हैं अगर आपने सारी वीडियो बड़े ध्यान से सुनी होगी और पाठ ध्यान से पढ़ा होगा तो तो हमने देखो वहाँ कानून व्यवस्था हमने पढ़ी है ना और वहाँ की सामाजिक व्यवस्था हमने पढ़ी साथ ही साथ हमने वहाँ की संस्कृति वहाँ का खान पान जब हमने सारी व्यवस्था पढ़ ली तो प्रश्न भी कुछ ऐसे ही हैं तो पहला प्रश्न है थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका क्यों मतलब तो एक बार तो भिकमंगे के वेश में थे दूसरी बार वो भद्रवेश में थे तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो है उस समय लेखक जो था वो हमने कहा था कि लेखक ने क्या कहा था कि जो है वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति पर बहुत निर्भर करता है तो इसलिए वो एक बार जब भिकमंगे के वेश में थे तब तो उनको ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी क्योंकि उस समय लेखक के साथ सुमती नहीं था दूसरी बार जो उन्होंने पूछा ना सुमती की स्थानीय लोगों में अच्छी जो है अपैठ थी और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण यह था कि उस विशिष्ट समय में लोगों की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है तो वहाँ के सभी लोग जो है वो शाम के समय चंग पी अपना होश आवास खो बैठते हैं और इस स्थिति में किसी की भी पहचान मुश्किल है और लेखक उस स्थान पर शाम को ही पहुँचा था और उस समय कोई भी अपने होश आवास में नहीं था अतः लेखक को भद्र वेश में होने पर भी उचित स्थान नहीं मिला था न? और दूसरा जो प्रश्न है उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था तो वहाँ क्या है हथियार का कानून न रहने के कारण लोग जो है पिस्तौल बंदूक लाठियों की तरह रखते थे और यात्रियों को खून का डर हमेशा बना रहता था और वहाँ पर अनेक निर्जन स्थान है जहाँ डाकुओं का साम्राज्य है और उन्हें किसी से कोई डर नहीं होता और सरकार की ओर से ऐसे स्थानों पर पुलिस व्यवस्था भी नहीं थी यानी कि सरकार जो है वो खुफिया विभाग पर भी इतना पैसा खर्च नहीं करती थी ऐसे में वे यात्रियों के पहले हत्या करते थे तत्पश्चात उनका सामान लूटते थे तो तीसरा प्रश्न है लेखक लंकौर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था तो उसके पिछड़ने के कारण क्या था लेखक के घोड़े का सुस्त होकर धीरे धीरे चलना मार्ग भटक कर किसी दूसरे रास्ते पर डेढ़ दो मील तक चले जाना तथा फिर वापस आने के कारण लेखक पिछड़ गया था तो ये कारण रहे दो कारण थे और चौथा प्रश्न है लेखक ने शेखर विहार में सुमती को उनके यजमानों के पास जाने से रोका परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया तो शेखर विहार में सुमती गंडा बांटना चाहता था जिसमें अधिक समय लगने की संभावना थी तो लेखक को लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी थी लेखक को यह था कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं इसलिए उन्होंने उसे अपने यजमानों के पास जाने से रोका था परंतु दूसरी बार लेखक को शेखर विहार के एक अत्यंत रमणीय मंदिर में पुस्तकों का खजाना मिल गया वो पुस्तकें पढ़ने में रम गए और वे किताबों में इतने रम गए कि उन्हें अब कि, कि, किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं थी अतः उन्होंने सुमती को रोकने का प्रयास ही नहीं किया तो अगला प्रश्न हमारा आ, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था तो अपनी यात्रा के दौरान लेखक को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था पूरी यात्राओं के दौरान डाकुओं के भय का सामना अ, करना पड़ा और वो डर बना रहा और ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते थे तेज़ धूप में काफ़ी पैदल भी चलना पड़ा जान बचाने के लिए भीख भी मांगनी पड़ी और साथियों से वो बिछड़ गया अनजान मार्ग पर चला गया और भद्र रूप छिपा कर भिखारियों के रूप में रहना लेखक के लिए सबसे कष्टदायी था और प्रश्न छः है प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था तो तो उस समय का तिब्बती समाज कैसा था संकीर्णता का कोई नामो निशान नहीं था जाति छुआ छुआछूत ऊँच नीच का कोई भेदभाव नहीं था महिलाएं जो है वो पर्दा नहीं करती थी और कोई भी जो है अनजान व्यक्ति भी आ, किसी के भी घर के भीतर जा सकता था और चाय बनाने के लिए कह सकता था हालांकि निम्न श्रेणी का कोई मंगा ना हो उसे ही घर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था और और गंडे के नाम पर साधारण गांठ लगे कपड़े को भी अत्यंत श्रद्धा के साथ लोग स्वीकारते थे समाज में बुद्ध तथा उनके वचनों के संग्रह कंजूर को विशेष स्थान यहाँ पर प्राप्त था तो ये आपके प्रश्न हो गए और सातवां प्रश्न है मैं अब पुस्तकों के भीतर था नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है तो लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था तो ये आपके प्रश्न उत्तर है और ये ध्यान देंगे तो इनको अपनी नोटबुक में आप कर लेंगे और एक बार पाठ को ज़रूर सरसरी नज़र से पढ़ेंगे और इसके साथ ही धन्यवाद